हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस कर लिया था एमपी सब इंजीनियर के एग्ज़ाम का। अब हमने देखा था कि जो हमारा नॉन टेक पोर्शन है ना, नॉन टेक पोर्शन थोड़ी सा आपका ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आपने अभी एमपी पीएससी यही का पेपर था तो उस टाइम पे आपने टेक्निकल को मैक्सिमम कवर कर लिया है ना। और यदि आपको टेक्निकल के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर आपका टेक्निकल का वो सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट किया जाएगा, है ना, क्रैश कोर्स के फॉर्म में। मेरे ख्याल से अभी आपको टेक्निकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नॉन टेक्निकल के पोर्शन में ही ज़्यादा दिक्कत है। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 2020 के मैथ्स का प्रीवियस ईयर का पेपर हमने सॉल्व किया हुआ था, है ना। अब हमारे पास यदि अभी तक टोटल मिला के देखें तो हमारे पास व्यापम के 15 क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, है ना, प्रीवियस ईयर के 15 ईयर के हमारे पास क्वेश्चन पेपर हैं। इस पर यदि हम देखते हैं तो हमने 2 ईयर के, मतलब 2020 के जो हमारे पास 2 पेपर थे, है ना, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन पेपर हैं हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, जिसपे हमने 2 पेपर को आपके, जिसपे मैथ्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है, है ना। अब हमारे पास 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम मैथ्स के सारे टॉपिक्स को एक एक से आपके सॉल्व करा दें, है ना। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो मैथ्स आप पढ़ ही रहे होंगे किसी भी तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं मैथ्स के, है ना, उनको सॉल्व करा देता हूँ, जो मैथ्स है और रीजनिंग है। अब मैथ्स और रीजनिंग को लेने का ही मतलब क्या है, यहाँ पर जो मैथ्स है और जो रीजनिंग है, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको 28 मार्क्स पूरे के पूरे मिल सकते हैं, आपका 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा यदि आपने इसको सही तरीके से पढ़ लिया है तो, है ना। तो इसलिए हम पहले मैथ्स के पूरे जो आपके जो 13 पेपर बचे हुए हैं उनके पूरे मैथ्स के क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, आप वहां से पढ़ते जाएं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यदि हम देखते हैं, हमने आज जो क्वेश्चन पेपर लिया है वो पेपर है हमारा 2018 में, जो कि हुआ था 1 सितंबर को, ठीक है। इस पर यदि हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो हिंदी में लिखे हुए हैं, है ना, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी, मैंने इंग्लिश से पढ़ाया तो ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैंने हिंदी से लिखे हुए हैं, यदि किसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या इंग्लिश में क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है वो मैं खुद ही बता दूंगा, है ना। अब यदि हम बात करते हैं इस पर, सबसे पहला क्वेश्चन यदि हम देखें, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन को देखो। यदि आपसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, पहले तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यदि आपसे खुद ही बन जा रहा है तब आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बर्बाद मत करना, है ना। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर पूरा वीडियो देखो, है ना, और इन क्वेश्चंस को, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है ये मान के चलो कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रिपीट भी होंगे, मतलब सेम पैटर्न के, है ना, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, पैटर्न रिपीट होता है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा। ट्रेंगल ABC एवं ट्रेंगल PQR में यदि AB इज्वल टू AC कोण C और कोण P दोनों इक्वल हैं, कोण B और कोण Q इक्वल हैं, तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे। हमको 2 ट्रेंगल दिए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन यदि हम देखते हैं तो देखो हमको क्या बोला है, हमको 2 ट्रेंगल दिए हुए हैं। ट्रेंगल क्या दिया हुआ है, एक ट्रेंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, ABC, और एक ट्रेंगल दिया है हमको, ट्रेंगल दिया हुआ है PQR, ये ट्रेंगल दिए हुए हैं। इस पर हमसे ये बोल रहा है कि ये जो 2 ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल ये है, एक ट्रेंगल ये है, इस पर यदि हम बात करते हैं, इस पर बोला है AB जो है, ये जो AB है वो AC के क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन पे, बोल रहा है कोण P जो है आपका, या एंगल B जो है वो कोण Q, मतलब एंगल Q के क्या है, इक्वल है, मतलब एंगल B और एंगल Q आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये चीज हमको बोला। ऊपर से क्या बोला है, एंगल C और एंगल P क्या है, आपस में इक्वल है, तो एंगल C आपका ये है
है ना, और ये किसके इक्वल है आपका, एंगल पी के, एंगल पी के इक्वल है। तो हमसे पूछा है कि आपका जो ये दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, समद्विबाहु है तथा सर्वांगक्षम है ना। समद्विबाहु को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और आपका सर्वांगक्षम को हम क्या बोलते हैं, सर्वांगक्षम को हम बोलते हैं कंग्रुएंसी, ठीक है। तो समद्विबाहु और सर्वांगक्षम, अब यहाँ पर दो चीज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ आपके पास क्या बोला, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और एक बोला है सर्वांगक्षम मतलब कंग्रुएंसी। अब यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की यदि हम बात करते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स क्या हों, इक्वल हों, तो यदि हम इस पर देखें तो ए बी सी में ये आपका क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है, मतलब ये आपका समद्विबाहु तो है, मतलब दो साइड्स इसकी इक्वल है क्योंकि ए बी इक्वल टू है बी सी के। रूल आता है सर्वांगक्षम का, सर्वांगक्षम कब होता है, सर्वांगक्षम होने के लिए आपका देखो कंग्रुएंसी कब होती है, कंग्रुएंसी आपकी कब होती है, ये देखो जब आपका ये कुछ इस तरीके से आपका ट्रायंगल होता, ये आपका ए बी सी पी क्यू आर, जब इसकी ए बी साइड जो है पी के इक्वल टू होती, ए सी जो है पी आर के इक्वल टू होती, और आपका बी सी जो है वो आपका क्यू आर के इक्वल टू होता। दूसरी चीज, जो ये एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल टू होता, मैंने इसको नाम दे दिया अल्फा, है ना। एंगल ए एंगल पी के इक्वल होता, मैंने इसको नाम दे दिया बीटा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, और मैंने इसको आपका नाम दे दिया सपोज दैट थीटा, है ना। जब ये कंडीशन बनती तब हमारे जो ट्रायंगल है वो कैसे होते, सर्वांगक्षम होते, है ना। अच्छा, इस पर रूल भी होता है, आपने पढ़े होंगे कंग्रुएंसी के लिए, कंग्रुएंसी के लिए आपने रूल भी पढ़े होंगे। क्या रूल पढ़े होंगे, साइड एंगल साइड, मतलब यदि इसकी दो साइड्स और एक एंगल यदि इक्वल है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे ट्रायंगल कैसे हैं, सर्वांगक्षम है। दूसरी चीज़ हम बोल सकते हैं यदि इसकी तीनों साइड्स क्या हों आपस में इक्वल, जैसे ए बी इक्वल टू यदि बोल देता पी क्यू, ए सी इक्वल टू बोल देता पी आर, बी सी इक्वल टू बोल देता क्यू आर, तब हम बोल देते कि ये ट्रायंगल कैसे हैं, कंग्रुएंट है, मतलब इनमें कंग्रुएंसी है, सर्वांगक्षमता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, तो यदि इसके दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाती तो भी हम बोलते कि ये कैसे हैं, सर्वांगक्षम है। उसके बाद यदि हम बात करते, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता, एक एंगल ये एक ट्रायंगल ये इस तरीके से, तो इसका जो राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री इस वाले के 90 डिग्री के इक्वल टू होता, है ना। और यदि हम बात करते हैं राइट हैंड साइड, और इसकी जो एक साइड है ना, मतलब एक तो राइट एंगल ये बराबर होता, दूसरी चीज़ यदि हम बोलते इसका हाइपोटेनियस बराबर होता और इसकी कोई एक साइड बराबर होती, है ना, दोनों ट्रायंगल की, तो हम उसको बोलते कि ट्रायंगल हमारा क्या है, सर्वांगक्षम है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन हमको नहीं दी हुई है, हमको सिर्फ ये बताया हुआ, इस पर भी कोण बी जो है, कोण बी किसके इक्वल टू बोला हुआ है, कोण बी बोला हुआ है कोण क्यू के। अब एक एंगल तो हमारा इक्वल है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की, क्योंकि यदि हमारा एक ही एंगल है तो उसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए तभी सर्वांगक्षम होता, तो इसमें दो साइड्स की कोई बात नहीं की हुई है ना। सेकेंड चीज यदि हम बात करते हैं, इसने बताई हुई है ए बी सी में बताया हुआ कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के, तो इससे ये पता चल रहा कि हमारा ये क्या है, हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन कंग्रुएंसी के बारे में हमको पता नहीं चल रहा, तो ये हमारा ये जो ट्रायंगल होगा ये कैसा होगा, हमारा ये समद्विबाहु होगा लेकिन सर्वांगक्षम नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, है ना। और यदि आपको समझ पर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर टू आपका बोल रहा है शब्द ट्रांजिस्टर के अक्षरों से एक शब्द यादृच्छिकता के से चयनित किया गया है, चयनित अक्षर एक व्यंजन है, इसकी प्रायिकता क्या है। यदि इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, अ लेटर इज चूजन एट रेंडम फॉर्म द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रांजिस्टर द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इन अ कॉन्स्टेंट इज। कुल मिला के हमसे क्वेश्चन में यह बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर टू मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू
हमारे पास क्या शब्द दिया हुआ, हमारे पास शब्द वर्ड जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ठीक है। इस पे यदि हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर के अक्षरों में से हमको क्या करना है, एक अक्षर को चुनना है ना, और वो अक्षर कैसा होना चाहिए, वो अक्षर आपका कैसा होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, है ना। वॉवल और कॉन्सोनेंट आपने सुने होंगे, तो आपको इनमें से आपकी यदि हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज आने की क्या संभावना है डिवाइड बाय टोटल कितनी संभावना है, है ना। तो ये चीज आपको निकालनी है। तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो ट्रांजिस्टर में कुल कितने वर्ड हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड है, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, 10 हो सकती है, है ना। अच्छा, इस पर कंडीशन लिखी हुई है आपकी कि आपको इनमें से इस ट्रांजिस्टर के शब्दों में से आपके जो व्यंजन हो उनमें से किसी एक को चुनना। तो यदि मैं इस पर से देखूं तो इस पर क्या क्या होंगे, एक तो कॉन्सोनेंट होंगे और एक वोवल होंगे, है ना। तो मैं वोवल को यहां से हटा देता हूं, तो कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे, ए आई और ओ, है ना, इसको मैंने हटा दिया, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे आपके पास, कॉन्सोनेंट आपके पास बचे 7। अब इस 7 में से आपको किसी एक को चुनना है आपको, है ना, क्योंकि आपको एक ही व्यंजन चुनना है। तो यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू, यहां पर क्या आ जाएगी, इस 7 में से चुनना है, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, 7 हो सकती है, 7 में से किसी एक को ही चुनोगे तो यहां पर क्या जाएगा, 7, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी आपके पास, 7/10, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। देखो यहां पर टोटल, यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, वो क्योंकि 10 अक्षर हैं, मतलब 10 वर्ड्स हैं, तो आप 10 वर्ड्स तो आप नीचे लोगे क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब आपको इसमें जो कॉन्सोनेंट हो उनमें से आपको एक व्यंजन को चुनना, मतलब 7 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, इन 7 में से किसी को भी रख सकते हो, या तो टी को रख दो, या तो आर को रख दो, या तो एन को रख दो, या तो एस को रख दो, या तो टी को, तो 7 में से किसी को भी रख सकते हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है, और जो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 7/10। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये भी आगे होगा समझ में, और यदि समझ पे नहीं आता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ी सा फास्ट करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। यदि 14 सेंटीमीटर किनारे ठोस वाले एक ठोस घन, घन मतलब आपका क्या होता, क्यूब, ठीक है, जो ठोस मतलब सॉलिड, एक क्यूब दिया हुआ है, सॉलिड क्यूब है जिसका जो साइड है, साइड कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वाले घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, ठीक है, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्यूब के बारे में, तो आपको क्यूब की जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे यदि मैं बात करता हूं क्यूब की जो साइड, यदि मैं साइड यदि बात करूं क्यूब की, साइड को मैंने ए ले लिया, ठीक है, जो इसका क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, है ना। और यदि हम बात करते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का, वो क्या होता है, 6a² ऑफ क्यूब। यदि आपको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं, बेसिकली ये जो आपके दो फॉर्मूले हैं, एक वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आपके पास एक तो है आपके पास सॉलिड क्यूब, और आपका इस सॉलिड क्यूब से जो आपके बनेंगे वो क्या बनेंगे, नए क्यूब बनेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ जो आपका सॉलिड क्यूब दिया हुआ है, सॉलिड क्यूब का जो साइड है वो कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, ए क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा आपका ए क्यूब, मतलब 14 × 14 × 14। यहाँ तक इसकी बात क्लियर है। अब इस वॉल्यूम के आपके पास कितने घन बने हैं, आपके पास 8 घन बने हैं, मतलब 8 क्यूब बनाए हैं और इक्वल बने हुए हैं, है ना। तो यदि मैं बात करता हूँ कि एक क्यूब का जो आपका नया क्यूब बनेगा, मतलब ये आपका टोटल वॉल्यूम पता चल गया, इस वॉल्यूम से ये टोटल मान लो इसका जो वॉल्यूम निकल के आया, इस क्यूब का इसका जो वॉल्यूम निकल के आया वो कितना आया, 14 × 14 × 14। इससे आपने ये पूरा आपका ये 14 × 14 × 14 का वॉल्यूम है, इस पर से आपने 8 क्यूब बना दिए हैं इस तरीके से, है ना, आपने 8 क्यूब बना दिए हैं,
आठ क्यूब बना दिए हैं, इन आठ क्यूब में से यदि मैं एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, है ना, इनमें से यदि क्योंकि सारे के सारे क्या है, आठों क्यूब क्या है आपके, इक्वल हैं, तो यदि मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब तो कितना जाएगा, टोटल में से हम क्या कर देंगे 14 × 14 × 14 में से हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब, क्योंकि इसी पे से हमारा एक क्यूब बनेगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन न्यू क्यूब, है ना, जो हमारा एक क्यूब होगा उसका वॉल्यूम निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 तो ये कितना जाएगा आपके पास 7 × 7 × 7 तो यह आ जाएगा आपके पास 343। तो ये क्या है, वॉल्यूम एक क्यूब का, मतलब सिर्फ ये जो यदि इसका एक क्यूब बनाए इस वॉल्यूम का, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा आपका 343। तो वॉल्यूम ऑफ वन न्यू क्यूब, अच्छा ये तो हमारे पास एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया। यदि मैं इसकी साइड निकालना चाहूं, है ना, तो साइड ऑफ वन न्यू क्यूब तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, इसकी साइड आ जाएगी 7, है ना, इसकी जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7, न्यू क्यूब की जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7। बेसिकली क्या है, हमको ये दिया था, ये वॉल्यूम हमको निकाल लिया इस साइड की सहायता से, हमने इसकी सहायता से हमको पता हुआ नंबर ऑफ क्यूब थे हमारे पास 8 थे, तो हमने एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया, है ना, इससे जो हमने बनाया नए वाले वॉल्यूम का हमने क्या बना लिया, क्यूब, नए क्यूब का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम कितना आया 343। इस वॉल्यूम की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, इसकी साइड निकाल ली। अब क्वेश्चन में पूछा है जो हमारा नया क्यूब आया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया क्या है ना, तो हम निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब तो ये कितना जाएगा आपके पास, फॉर्मूला है 6a² तो ये कितना जाएगा 6 × 7 × 7 तो ये कितना जाएगा 42 × 7 तो ये इसको यदि सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 294 cm². तो आपका आंसर हो जाएगा ये 294 cm². मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5, 9, 5, 8, 9, 7, 6 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, है ना, कुल मिला के ये बोल रहा है इकाई का अंक पूछा, तो इकाई का अंक जब पूछ रहा है तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 5, 8, 9, 7, 6 मल्टीप्लाई करोगे 5, 8, 9, 7, 6 तो हमको 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करने में हमको लास्ट में 6 ही मिलने वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समांतर रेखाओं, हमको जो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं क्या दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं हमको, कौन कौन सी लाइन दी हुई है, y-8 = 0 और यहाँ पर दिया हुआ है y+1 = 0, मतलब एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन है, इनके बीच की हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस हमको निकालनी है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ से, यदि हम देखें तो y = क्या आ गया आपके पास 8, मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है, मैंने इसको x1 y1 नाम दे दिया, या यदि यहाँ पर देखें तो y = क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर भी x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। हमको पता है दोनों के बीच की डिस्टेंस इस वाली का और इस वाली, इनके पॉइंट हमको मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इनके बीच की डिस्टेंस यदि हमको निकालना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x1 − x2² + y1 − y2² तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा 0 है, y1 की वैल्यू क्या है -1 − 8² तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 9² तो ये आपके पास आ जाएगा, जो d की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास d, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, एक आपका कोन दिया हुआ है ना, एक आपके पास कोन है,
उसके बाद आपको एक गोलार्ध एवं एक बेलन, एक अर्ध गोलार्ध मतलब यहाँ पर हेमिस्फीयर की बात की हुई है ना, हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद हमको दिया हुआ है बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर, एक समान आधार, मतलब यदि हम आधार की यदि हम बात करते हैं तो इनकी जो रेडियस है, रेडियस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, सबकी रेडियस क्या है, सेम है, आधार सेम है ना। अच्छा, इनकी हाइट भी सेम है, हाइट भी इनकी मतलब इसकी रेडियस और हाइट तीनों की क्या है, सेम है। जो इसका रेडियस होगा वही रेडियस इसका भी होगा, वही रेडियस इसका भी होगा, जो इसकी हाइट होगी वही हाइट इसकी भी होगी, वही हाइट इसकी भी होगी, ठीक है। तब इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन पे हमको हर एक का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करते हैं कौन के वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर और एच भी इक्वल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर के, लेकिन मैं यहाँ पर एच ही लिख देता हूँ। सेकेंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेमिस, ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, वैसे तो आर क्यू, यहाँ पर यदि एच की वैल्यू को यदि हम यहाँ पर आर पुट करते तो आर क्यू निकल गया, तो 2/3 पाई आर क्यू है ना। सिलेंडर की यदि हम बात करते तो सिलेंडर क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब यदि हम यहाँ से देखें पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा 1/3 2/3 और क्या बचेगा हमारे पास 1। अब 3 का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पे, तो 3/3 3/3 × 2 और यहाँ पर क्या जाएगा 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1:2:3, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 1:2:3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या बोल रहा है, 7x² माइनस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 px = 7x² माइनस 4√2x − 6। इसका क्या निकालना है हमको, फैक्टर निकालना, मतलब गुणनखंड निकालना है ना। अच्छा, यहाँ पर हमको फैक्टर निकालने हैं, है ना, हमको इसको शून्य नहीं करना है ना, हमको इसको शून्य नहीं करना है, हमको इसके फैक्टर, दो फैक्टर होंगे, क्योंकि हमारी जो x square, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, यदि इसकी डिग्री 2 है तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो भी क्या आएंगे हमारे पास, 2 आएंगे, यदि डिग्री 1 होती तो फैक्टर भी हमारा क्या आता, 1 ही आता। अच्छा, तो हम इसको सॉल्व कर लें, तो क्या हो जाएगा, 7x² − 4√2x − 6, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो जब ये यहाँ पर है तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, हमको ये बनाना है 42 बनाना पड़ेगा, 7 × 6 किया तो आपको 42, मतलब ऐसी कोई संख्या चुननी पड़ेगी आपको जिसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका वो 42 आ जाए, और प्लस माइनस करो तो क्या आ जाए आपका, 4√2 आ जाए। तो देखो हमने यदि संख्या ले लें तो हमको पता है √2 का, यदि √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो आ जाएगा। अब 42 का हाफ कितना होता है हमारे पास, 21 को आप तोड़ सकते हो 7 × 3 से, क्योंकि 7 और 3 क्या होता है आपका, 7 में से यदि आपका 3 जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा आपका 4, है ना, 7 − 3 करोगे तो 4 बन जाएगा, और यदि इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये बन जाएगा 42, है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 7x² − 7√2x + 3√2x − 6, है ना। अब देखो इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 42 बन जाएगा, करके देख लो, 7√2 × 3√2, तो ये हो जाएगा 21 और ये आ जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा 42, है ना। तो इस तरीके से हमको इसको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इसको यहाँ से यदि हम कॉमन ले लें, 7x को कॉमन कर लेंगे, यदि हम यहाँ से 7x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x − √2, है ना। यदि हमने यहाँ से 7x को माइनस कर लिया तो क्या बचेगा, x − √2 प्लस, यहाँ से हम क्या कॉमन कर लें, यहाँ से हम क्या कॉमन कर लें, यहाँ से हमने कॉमन कर लिया √3 √2, तो अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बच जाएगा आपका x माइनस
थ्री अंडर रूट टू, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा। तो आपके पास दो फैक्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएगा x माइनस अंडर रूट टू, और एक फैक्टर आपका बन जाएगा 7x प्लस थ्री अंडर रूट टू। अब इसमें से देख लो आपके ऑप्शन में क्या गिवन है, x माइनस अंडर रूट टू गिवन है क्या, x प्लस अंडर रूट टू गिवन है, मतलब ये तो नहीं है, है ना। उसके बाद x प्लस अंडर रूट थ्री दिया है, वो भी नहीं है, 4x मतलब लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ 7x प्लस थ्री अंडर रूट टू। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है हमको, हमको बोला है केंद्र ओ वाले वृत्त में, है ना, केंद्र ओ वाले वृत्त में ट्रेंगल ए बी सी अंतर्वृत्त किया गया है। मतलब हमको ये बोला है क्वेश्चन पे कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, और उस सर्कल के अंदर ये हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर हमको क्या गिवन है, इस सर्कल के अंदर हमको एक ट्रेंगल गिवन है, ये हमारे पास ये ट्रेंगल, ठीक, ट्रेंगल कौन सा है, ए बी सी, और ये इसका सर्कल का ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा सर्कल का सेंटर, ये है सर्कल का सेंटर, ठीक। अच्छा, यदि एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये बी ए सी कितना बोला है हमको क्वेश्चन में बोला है, एंगल बी ए सी है हमारे पास 2x, एंगल बी ए सी हमारे पास 2x, एंड बी सी ओ, बी सी ओ मतलब बी सी ओ, इस वाले ट्रेंगल की यदि हम बात करते हैं, हमारे पास जो एंगल दिया हुआ बी सी ओ, ये कितना दिया हमको 2y, ये हमको कितना दिया हुआ है 2y, तो हमको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ जो लिखी हुई है, इन ऑप्शन में से कौन सी चीज़ जो है वो सही रिलेशन बनाएगी इसके साथ। अब आपको ये पता होगा सर्कल की प्रॉपर्टी यदि आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, यदि ये एंगल आपका 2x है, यदि ये एंगल आपका 2x है, तो इसका अंदर का जो सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, इसका जस्ट डबल, तो कितना हो जाएगा, ये 2x है तो ये हो जाएगा 4x। अब आपको पता है ये आपकी क्या है रेडियस, ये जितना OC होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा ओ बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के क्या है सर्कल की रेडियस है, तो यदि ये इसके साथ 2y एंगल बना रहा है तो इसके साथ भी एंगल कितना बनेगा आपका 2y बनेगा। अब देखो ये आपका क्या है, एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल है यदि आपका, तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू, हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला ऑप्शन जो है सही है। यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11/20 को -13/14 से कि एडिटिव इनवर्स या योगस प्रतिलोम के साथ गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर एक नया टर्म आया हुआ है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि हमको देखो 11/20 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है हमको, -13/14 के योगस प्रतिलोम, मतलब एडिटिव इनवर्स के साथ। तो एडिटिव इनवर्स में यदि यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर लिखा -13/14, अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका जब एडिटिव इनवर्स बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन -13/14 का एडिटिव इनवर्स, यदि हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स, तो कितना हो जाएगा ये 13/14, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, 11/20 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमको जो भी हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 143, और ये कितना हो जाएगा 280, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पर क्या बोला है, 150 डिग्री वाली संपूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। अब यहाँ पर समझ लो दो चीज़ दी हुई है, एक तो दिया हुआ सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण, और एक है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये होता है आपका पूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपका, किसी लाइन के साथ
जैसे यदि यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यदि ये आपका थीटा वन है, ये आपका थीटा टू है, तो थीटा वन प्लस थीटा टू आपका क्या होगा 180। तो संपूरक का मतलब आपको समझना है 180 डिग्री से। कॉम्प्लीमेंट्री का यदि हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री से। जैसे यदि हम बात करते हैं ये एंगल है आपके पास थीटा वन और ये आपके पास है थीटा टू, तो थीटा वन प्लस थीटा टू आपका कितना आएगा, आपका 90 डिग्री आएगा। ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। मतलब दो एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, और दो एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा आपके पास 180 डिग्री। उसी को हम क्या बोलेंगे, संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर बोला 180 वाले सप्लीमेंट्री एंगल का, है ना। तो यदि हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, मान लो थीटा वन आपके पास कितना दिया है 150 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ से आप थीटा टू निकाल सकते हैं। 150 प्लस थीटा टू ये कितना जाएगा आपके पास, थीटा टू आपके पास जाएगा 30 डिग्री। इस 30 डिग्री का आपको क्या निकालना है, इस 30 डिग्री का आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ से यदि हम बात करते हैं थीटा टू की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो थीटा टू कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो इसका क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारे पास, ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी दो क्या हमारे पास समानांतर चतुर्भुज, या इसी को हम बोल देते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम। यदि एंगल सी, यदि एंगल सी आपका क्या दिया हुआ 58 डिग्री। देखो ये क्या है आपके पास, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। अब इसकी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। ये क्या कितना दिया हुआ आपका ए बी सी डी, इस पर ये एंगल जो सी बोला हुआ वो एंगल सी कितना बोला हुआ हमको 58 डिग्री का, और इसी के अंदर हमारा क्या बना हुआ है, एक और बना हुआ है, वो कैसा है आपका, किस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है। ये हो गया आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, हमसे एंगल एफ के बारे में पूछा कि एंगल एफ कितना आएगा, तो आपको पैरेललोग्राम में आपको ये पता है कि यदि मैं इस पैरेललोग्राम की यदि बात करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारे पास क्या होगा, ये भी होगा। मतलब आमने जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, मतलब आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यदि ये 58 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये यदि 58 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 58 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 58 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपके पास इसका जो सही आंसर है वो है आपका 58 डिग्री, इसके ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, तो आंसर है आपका 58 डिग्री। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, यदि 2a माइनस 3b इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 कितना दिया हुआ है 2a माइनस 3b इक्वल टू 5, देन इस कंडीशन में हमको वैल्यू निकालनी है 8aq माइनस 27bq माइनस 90ab। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब यदि हमको ए की और बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर ए या बी की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करते हैं जिससे कि हमारा 5 आ जाए। यदि आपने ए की वैल्यू को सपोज दैट 1 रखा तो आपको किसी भी कंडीशन में ये करना पड़ेगा कि 2a की वैल्यू आपकी ग्रेटर रहे 3b से, तभी आपका पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू को यदि आप 1 पुट करते हो, यदि आप ए की वैल्यू को 1 पुट करते हो ये तो नेगेटिव चला जाएगा, 2 पुट करते हो तो भी नेगेटिव चला जाएगा, 3 पुट करते हो तो ये आपका कितना हो जाएगा 9, और इसकी वैल्यू को यदि आपने 1 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका वैल्यू 5 नहीं बनेगी। तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू को यदि हम 4 पुट कर दें, ए की वैल्यू को यदि हमने 4 पुट कर दिया और बी की वैल्यू को यदि हम 1 पुट कर दें तो क्या हमारा 5 के इक्वल आ जाएगा, ये है ना। पुट करके देख लो, यहाँ पर 2 × 4 माइनस 3 × 1 तो कितना जाएगा, ये 8 − 3 तो ये आपका बन जाएगा 5, मतलब ये वैल्यू सही हो सकती है ना। मतलब हम ए की वैल्यू को यहाँ पर 4 पुट कर दें और बी की वैल्यू को यहाँ पर 1 पुट कर दें, तो चलो पुट कर देते हैं 8 × 4³ − 27 × 1³ − 90 × 4 × 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 64 × 8। तो यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 2 ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा आपके पास 360, है ना। इसको सॉल्व कर लो यदि आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 2 माइनस कितना हो जाएगा ये 7
8, 3, और इसको यदि सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, 2, 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 125. 125 ऑप्शन में है क्या? हाँ, 125 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. मैं नीचे का आपका रफ कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 11 को नेक्स्ट है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या बोल रहा है, 2 की पावर n, ये सिंप्लीफिकेशन का है आपका, 4 की पावर n इंटू 8 की पावर 1 माइनस n, इसको सॉल्व करना है. तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर n इंटू, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 पावर 1 माइनस n, 2 की पावर n मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 n, ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 माइनस 3 n. अच्छा, यहाँ पर देखो, सबको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, n प्लस 2n प्लस 3 माइनस 3n. अब ये आपको हो जाएगा 2 की पावर 3 n माइनस 3n प्लस 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब आंसर आ जाएगा 8. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8. ठीक, इसको रब कर देते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो चुका है. नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14. और क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है इस इक्वेशन को, है ना. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई क्यूब. ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं हम. इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की पावर एक्स वाई की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर 3 की पावर, इसको जैसे हम अंडर रूट रहते हैं 1/2 लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं. ठीक है, वापस से यदि इसको और आगे सॉल्व करें तो एक्स वाई की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर 2, यहाँ पर क्या है आपके क्वेश्चन पर एक्स वाई की पावर, ये कहीं क्वेश्चन पर मिस्टेक है क्या, 1/2 क्वेश्चन पर मिस्टेक है क्या आपके, हाँ ये क्वेश्चन पे यहाँ पर आपका स्क्वायर है, ये क्वेश्चन पे यहाँ पर आपका स्क्वायर है. ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई की पावर 2 माइनस 2/3, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आपका बन जाएगा 6 माइनस 2/3, मतलब ये आ जाएगा आपका 4/3, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर 4 की पावर 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब ये 1/3 है, तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 xy की पावर 4, तो ये हमारे ऑप्शन में है क्या, हमारे ऑप्शन पे ये है आपका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारा 2018 में 1 सितंबर को जो हमारा पेपर हुआ है वो हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया. मैंने इनको समझा के सॉल्व कराया है, इसलिए टाइम लगा है. यदि आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको आपके 14 मिनट में ही आपके क्वेश्चन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 14 से 15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. आपके पास ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो कि बहुत आसान है, जिनको देख के ही आप उनको आंसर दे सकते हो. कुछ क्वेश्चन थोड़ी से बड़े हैं तो उनमें आपका टाइम लगेगा, तो 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लगेगा. यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी जो मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, यदि आपको ये अच्छे लगते हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ही आपके वीडियो आएंगे, है ना. ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और साथ में आपको क्या करना है, कमेंट करना है, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे. यदि आपके व्यूज कम आएंगे, आपके लाइक्स कम आएंगे, आप कम कमेंट करोगे तो हो सकता है कि वीडियो आगे ना आए, है ना. ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराना स्टार्ट किया है ना. यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो सीरीज तो आप क्या करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करो. ओके, थैंक यू.